बॉलीवुड में पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। बुधवार को अभिनेता इरफान खान ने दम तोड़ा और आज सुबह ऋषि कपूर के भी निधन की खबर आई। दोनों ही कलाकार पिछले 2 सालों से कैंसर से लड़ रहे थे। पिछले साल ही दोनों के ठीक होने की खबरें आई थी, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा कैंसर था जिससे हार गए ये दो दिग्गज कलाकार। इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों को कैंसर, एक सी गलती। प्राप्त जानकारी के अनुसार इरफान खान को एक दुर्लभ कैंसर था। इस कैंसर को एंडोक्राइन कैंसर कहा जाता है। वहीं ऋषि कपूर ल्यूकेमिया कैंसर से जूझ रहे थे। ऋषि कपूर को 2018 में ही परेशानी के बाद न्यूयॉर्क में एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि 2019 की शुरुआत में इरफान खान को लंदन के एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। अपोलो हॉस्पिटल के कैंसर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण गर्ग ने बताया कि दोनों ही मामलों में सबसे गंभीर बात ये रही कि कैंसर काफी देर से पता लग पाया। ऐसे में कैंसर का इलाज करना और इससे बचाव की संभावना कम रह जाती है। क्या एक बार इलाज के बाद दोबारा लौट आता है कैंसर? फोर्टिस हॉस्पिटल में हीमाटोलॉजी व स्टीम सेल के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भागव का कहना है कि कैंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं। इलाज के बाद 60% लोगों को बचा लिया जाता है, लेकिन 40% लोग दम तोड़ देते हैं। ऐसे में 30 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कैंसर से बचाव के लिए हर साल बॉडी चेकअप कराने की सलाह दी जाती है, ताकि वक्त रहते बीमारी का पता चल सके। अगर कैंसर का शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो 90% लोगों का इलाज संभव है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।